गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हैं सब लोग। उम्मीद करती हूँ सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे और बढ़िया होंगे, तो हम भी ठीक हैं। और आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल कुमाऊनी सोनी कॉर्नर में। और हमारे ब्लॉग की शुरुआत होती है उत्तराखंड हल्द्वानी से, और आज है हमारा डे 5। और नोनू उठ गई है, इसकी मालिश करके नहला दिया था। और आप सभी को रामनवमी की हार्दिक शुभकामनाएं, जय माता दी दोस्तों। तो आज ना घर में है कंजक पूजन, और आज कन्या इतनी बिजी है, और आज ना हमारी दीदी बहुत ज्यादा बिजी है, क्योंकि काफी पहली बार वो इतने घरों में जा रही है, तो पूरी कॉलोनी में वो चली गई है। और मम्मी भी वेट कर रही है कंजकों का, मैं भी आ गई हूँ नीचे से थोड़ी बहुत पूरी बना के। थोड़ी मम्मी ने बना दी थी, मैं इसको आई थी इसको लेने के लिए ऊपर, तो अभी चलते हैं नीचे। तो वॉशिंग मशीन जो है ना वो कल रात आ गई थी, और मैंने आपको दिखा भी दी थी। अभी मम्मी इसकी थोड़ी बहुत पूजा कर देंगी, तो फिर उसके बाद हम लोग इसको यूज करेंगे। और ये देखो, ये डाल दिया यहाँ पे स्लीपिंग बैग। और आज गेहूं की वो चल रही है, यहाँ पे गेहूं चूड़ रहे हैं। तो ना पापा जी भी आ गए हैं कल, और आज पहली बार हम 2 साल बाद सभी लोग घर पे हैं, लेकिन मिस्टर जी तो चले गए हैं शादी में। अभी चलते हैं नीचे, मम्मी ढूंढ रही है बच्चों को अब, क्योंकि अब सब कुछ रेडी है और बच्चे अब हर घर में सभी लोग रेडी हो गए बच्चों को बुलाने के लिए। तो नोनू उठ गई है, आज बहुत कुछ स्पेशल है। आज नोनू 5 महीने की होगी। मम्मी नोनू का बर्थडे है आज। ये दादी कहाँ ले जा रही है? मम्मी कहाँ ले जा रही है? वो कर दो फ्रीज में। दादी जा रही फ्रीज में, मैं कहने वाली थी मम्मी उसको कर देंगी। हम जा रहे दादी के साथ। हाँ नोनू 5 महीने की होगी, दादाजी आ गए, रामनवमी है ना। यहाँ मेले करो, यहाँ उठो, यही घर है। स्वास्तिक बोला ना, जय जय बोल दो। तो यहाँ पे इसमें बन रहा है स्वास्तिक। स्वास्तिक में दिखिए ना, आप कहाँ गाढ़ बनता है वो, और दिख तो रहे हो। पापा मम्मी पे कमेंट करने लगे, पापा जय माता दी, जय माता दी, नोनू के दादा आ गए। और ये अपने दादाजी के साथ बड़ी खुश है, कि हाँ स्माइल कर रही दादू के साथ। वो कन्या पूजन में है ना, वो आज सुबह से कितनी जगह चली गई, तो मम्मी की पूजा हो गई है। तो मम्मी ने बनाया, अब पापा बनाने लगे। पापा कह रहे मम्मी ने अच्छा नहीं बना रखा है, और ये डार्क भी नहीं हो रखा था। नो जी, इसकी पूजा भी 2-2 बार हो गई, एक बार मम्मी के द्वारा, एक बार पापा के द्वारा। मम्मी ने हल्का हल्का, पापा ने डार्क डार्क कर दिया। अब मैं भी जा रही हूँ कन्या पूजन में। द्रिति गई है ना, अब उसका मन नहीं लग रहा है, अब वो जिद करने लगी घर आने के लिए, क्योंकि आदत नहीं है ना, पहली बार इतने लोग के घर गई है। और हम लोगों का खाना ना ठंडा हो गया है, क्योंकि सबका लेट लेट हो गया है। वो बहुत भयंकर धूप इतनी ज़्यादा हो रही ना, क्या ही बताऊँ। देखो अभी ये देखो, अब मुझे ये नहीं पता लेकिन बच्चे किस क्या हैं। आंटी पढ़ना, मुझे भी नहीं पता, मैं भी ढूंढने ही जा रही हूँ। इनसे मिलो, हमारे सबसे छोटी कन्या दी, हेलो तो बोल दो। हाय, कैसे हो आप? जाओ ताई के साथ जाओ। ताई नहीं रही है, गोद पड़े हुए मेरे हाथ में। कितनी अच्छी हो, देखा, यही होता है एक जगह के होने का फायदा। ताई के साथ ही आना। हाँ बच्चों के तो मजे आ रखे आज बच्चों। ये नोनू की फ्रेंड है, नोनू फ्रेंड, स्माइल कर दो नोनू, स्माइल, हेलो किट्टू। ये देखो, ये भी नोनू बुलाबल है, नोनू बुलाबल। ये तो कन्या घूम रही आज है। हे लड्डू, जय माता। ये है
आपका बैग। तो यहाँ पे हो रही है कंजकों के भोजन की तैयारी। बेचारे बच्चे ना सुबह 6 बजे से घूम रहे हैं और अभी भी 2-3 घर जाना है, थक गए हैं सारे बच्चे बेचारे और इरिटेट भी हो गए क्योंकि बहुत ज़्यादा धूप हो रही है। तो अभी हमारे घर से होके अभी हम जा रहे हैं दूसरे घर, तो अभी इसको इसके साथ मुझे जाना पड़ रहा है क्योंकि अभी बिल्कुल भी रुक नहीं रही है कहीं भी। यहाँ चलना है, यहाँ चलो, खुशी के घर चलना है, चलो। यहाँ है, कहाँ है? तो गाइस आज मैं करने जा रही हूँ अपने वॉशिंग मशीन का उद्घाटन और अभी कपड़े धो लेती हूँ मैं। और डीना अभी तक नहीं आ रही, बेचारे ना बच्चे थक गए हैं यार कन्या पूजन में जा जाके, ना वो कुछ खा रहे हैं ना कुछ। वो तो 2-3 बार घर भी आ गई कि मुझे नहीं जाना। अभी गई है वो बुआ के साथ, एक बार मैं गई और एक बार दादी गई, अभी बुआ चली गई उसके साथ। और मैं तो खाना खा के आ चुकी हूँ, पूड़ी और थोड़ा सा हलवा और चने। अब मैं 2-3 कपड़े, थकान भी होगी मुझे और नोनू का फोटोशूट भी करना, तो उसके लिए मुझे भी जुगाड़ करना पड़ेगा किस चीज़ से बनाऊँ ये वो करके। पहले मैं आज मेरी मशीन का उद्घाटन है। अभी पता है मेरे को डायरेक्ट नल के नीचे लगा रखा है क्योंकि पाइप पतला है और हमारे नल का जो मुँह है ना वो मोटा है। तो देखते हैं फिर इनके आने के बाद, ये तो गए अभी शादी में तो आने के बाद ही देखते हैं। तब तक मैं ऐसे जुगाड़ से धो लेती हूँ क्योंकि हाथ से धोने में बहुत आफत आ रही है और कपड़े भी बहुत ज़्यादा हैं यार, पैजामे वगैरह बच्चों के मेरे भी हैं इनके भी हैं, थोड़े बहुत बहुत धो ही लेती हूँ। मुझे बहुत थकान हो गई है बहुत ज़्यादा, और खा के पेट देखो मेरा कितना आ गया है। मैं एक्सरसाइज भी नहीं कर पा रही हूँ, घर आके टाइम ही नहीं मिल पा, थकान ज़्यादा हो जा रही है। टाइम तो घर मिलता ही है, मैं कुछ इतना खास करती नहीं हूँ। और पिठा देखो अभी तो मैंने कम कर दिया, मैं भी गई थी ना तो मेरे पर पूरा यहाँ से यहाँ तक पिठाई पिठा दिख रहा था। और नोनो भी नीचे है झूले में, मैंने पैजामा ना चेंज कर दिया इसके साथ वाला, थोड़ा सा मुझे थाई में टाइट हो रहा था तो मैंने कहा यार ये थोड़ा टाइट लग रहा था, तो इसको चेंज किया जाए। इतनी सारी बातें कर रहे, वाह 5 महीने हो गए है ना। दोनों का फोटोशूट भी हो गया है और इसके भी थोड़ी देर आधा घंटा में सो भी गई हूँ। और ये इतना मस्त खेल रही ना यहाँ पे, और छत से मैं भी कपड़े उठा के लाई। बहुत सारा काम हो जाता है बच्चों के साथ ना, दिखता नहीं है ये काम लेकिन ये बहुत सारा काम होता है। और अभी शाम का टाइम हो गया है, थोड़ा धूप भी जा चुकी है, तो मेरा जो कपड़े वपड़े थे वो मैं सारे उठा चुकी हूँ ऊपर से और दोबारा फिर से धोए मैंने। और नोनू मैडम यहाँ पे खेल रही मस्त अपना, ये नोनू मैडम को देखो, ये खुशी। इसका ना पता क्या है, इसके डैडा घर पे नहीं होते, इसको नींद भी नहीं आती। आज के दिन में इतना कम सोई है यार, बहुत ही कम, मतलब थोड़ी देर सो रही फिर उठ जा रही, थोड़ी देर सो रही फिर उठ जा रही है। अभी नीचे जाते हैं चाय वाय पीते हैं और आज के ब्लॉग को यहीं पे समाप्त करते हैं। आई होप आप लोगों को ब्लॉग अच्छा लगा तो लाइक कमेंट एंड शेयर जरूर करना। जय माता दी, बाय बाय।